सारा हिंदुस्तान अपने 71वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने जा रहा है। हम सभी अपने संकल्पों के सिद्धि के वर्षों में प्रविष्ट हो एक संगठित शिक्षित नए भारत के निर्माण में सहयोगी होने का अपना सौभाग्य देख रहे हैं। जिस स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु भारत माता की कितनी ही श्रेष्ठ संतानों ने अपने जीवन की बलि दे डाली, उन्होंने कभी ये सोचा भी न होगा कि निर्दयी ईस्ट इंडिया कंपनी अखंड भारत से उसकी स्वतंत्रता की कीमत उसके विभाजन के रूप में ले लेगी। इसी विभाजन के नाम से कितने ही सुधी जनों को मौत के घाट उतार दिया गया। अपनी भूमि पर हक जताने वाले कितने ही माँ के लाल अपने हाथ एक दूसरे के रक्त से लाल करते हुए दिखाई पड़े। एक कवि ने खूबी कहा है, खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो मत फैलाओ देश में दंगा, अब रहने दो। संतरी और हरे रंग में न बांटो हमको, मेरे छत पर एक तिरंगा है, रहने दो उसको। आज हम जिस आजाद भारत में उसके गौरव से अपने ललाट को ऊंचा और चौड़ी छाती का दम भरते हैं, हमें प्रतिपल उसकी कीमत चुकानी होगी। उस समय आजादी के दीवानों ने करेंगे और मरेंगे का नारा दिया, आज उसी स्वतंत्र भारत की पुकार है, करेंगे और करके रहेंगे, करेंगे और एक स्वच्छ भारत के निर्माण के लिए संकल्प लेना अभी आवश्यक है। गरीबी मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, आतंकवाद, संप्रदायवाद और जातिवाद मुक्त भारत के निर्माण के लिए हम सभी अपने संकल्पों की सिद्धि के लिए तत्परता के साथ जुट जाएं। सकारात्मक विचारों से युक्त स्वामी विवेकानंद के उद्घोष हमें और राष्ट्र को फिर से सोने न देंगे। प्रगति के पथ पर वे ही हमारे अंतःकरण के जागृत देवता हैं। वे कहते हैं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति किए बगैर रुको नहीं, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। एक कवि ने स्वामी जी के ऊपर खूब ही अच्छे तरीके से समझाया है। वे कहते हैं, मैं हूं हनुमान और भारत देश मेरा राम है, देख लो छाती छीन कर दिल में हिंदुस्तान है। आज के इस नव भारत के किशोर किशोरियों को अपनी उपस्थिति से लाभान्वित करने हेतु हमारे बीच पधारे संसदीय सचिव सम्मान्य श्री राजू जी क्षत्रिय का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उपस्थित सभी पूज्य सन्यासी एवं ब्रह्मचारी वृंद को भी हमारा अपना चरण स्पर्श एवं पूजा द्रव्य युक्त कर्म समर्पित करते हैं। उपस्थित सभी साथी शिक्षक शिक्षिकाओं कर्मचारियों विभिन्न विभाग सहायकों को अपना साधुवाद संप्रेषित करते हैं और उपस्थित सभी भावी कर्ण धारक हमारे छात्र छात्राओं का भी अभिनंदन करते हैं। अपने पावन त्रिदेवों से उन पर सस्नेह एवं आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। अंत में अपने स्वतंत्र राष्ट्र के लिए चार पंक्तियां, ये बताओ ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की है, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।